तो सुखविंदर सिंह स्टेज पर कभी नहीं अज तक चढ़िया। उदो इदा लगता कि पूरा पंजाब स्टेज पर मैं उसकी जिहड़ी सभ्यता मैं सीखी आ उस स्टेज पर आ रहा। वो मैंने कहते तुम रब का ध्यान करते बहुत वधिया लगता। मैं कहनी वीरिया मैं सुता सा बिच बिच। इस करके सफर ने उन्हें मैनू तंग नहीं किया जिन्ना रियाज ने मेरा साथ दिता स्टेज पर। फिर चमकते सरदार साहब वो शायद लाइव शो वास्ते तकलीफ हो सकती जे तो हिलाना मूँह उत्थे तकलीफ किसी अमरीका कनेडा कनेडा एक्चुअली उत्थों जिहड़ी टूअर है ना इट इज नॉट दैट ईजी। कि पैशन तो हैगा और कोशिश भी होंदी है कि जिन्ना बेहतरीन असी कर सकीए ट्रैवलिंग ते ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा वा। उस तो अलावा तुसी आवाज़ नू मेनटेन भी करना वा स्ट्रेंथ भी रखनी आ ते फिर कदी कदी मन नू आर्टिफिशियल तरीके ना भी खुश करना पैंदा। ते सवेर कितने चढ़ती है रात कितने पैंदी है तीन घंटे का कितने फर्क है कितने दस घंटे का कितने नौ घंटे का। बट अंदरों बस एक ही विचार होंदा स्टेज की शक्ल नज़र आती रही अखा च तैरती रही सुपनों च भी ट्रैवलिंग वेले भी मैं लगता उ एनर्जी ने मैं संभाल के रख्या। मैं जिनी बारी भी उत्थे जाके परफॉर्मेंस करता वहाँ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। तो मैं हमेशा इदा लग्या कि मैं स्टेज पर जो मेरा नाँ अनाउंस होंदा उदो सुखविंदर सिंह स्टेज पर कभी नहीं अज तक चढ़िया। उदो इदा लगता कि पूरा पंजाब स्टेज पर मैं उसकी जिहड़ी सभ्यता मैं सीखी आ उस स्टेज पर आ रहा। तो वह आशीर्वाद है इतों का है ना। तो वो अच्छा रहा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बड़े शो अच्छे रहे लोग भी आए क्योंकि गुजराती भी आते ने साउथ इंडियन ज्यादा सी क्योंकि आप पंजाब च बैठे हैं तो यह मनिया जाता है कि शायद पंजाबी ज्यादा उत्थे तुहाडे शोज च आउंदे होणगे। नहीं आउंदे ने आउंदे ने पंजाबी क्यों नहीं आने अपने ने उन्होंने आना ही आ। लेकिन क्योंकि वो टिपिकल बॉलीवुड है ना ते नाले असी साउथ इंडियन म्यूजिक का भी कॉम्बीनेशन रखिया हुंदा वा ते हुण थिएटर च जिन्ने लोग आ सकते उस तो ज्यादा ते फिर नहीं कर सकते ना उन्होंने ऐड। ते अच्छा रहा ट्रैवलिंग जड़ी है ओदी मैं बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा वा कि वो शायद लाइव शो वास्ते तकलीफ हो सकती जे ते हिलाना मूँह उत्थे तकलीफ किसी नूं जे एक्ट करना वा माइमिंग कहिंदे आ फिर कोई तकलीफ नहीं है। पर जिन्हां ने लाइव करना ना उन्हां वास्ते नैचुरल परफॉर्मेंस तुहाडे ते सारे टोटल लाइव शोस हुंदे आ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਸਿੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ते किसी ने मैं बाद कॉम्प्लीमेंट देता कि तुसी रब का ध्यान भी कर दे जी विच विच। मैं कहनी मैं सुता हुन्ना उदो मैं कहते रब का ध्यान करते बहुत वधिया लगता। मैं कहनी वीरिया मैं सुता सा विच विच। तो वह जिहड़ा लाइव परफॉर्मेंस दा ना उहदे वास्ते बड़ी मतलब तुहाडी सेहत कायम रहनी चाहीदी आ आवाज उहदे वास्ते क्योंकि मैं कभी भी इस गल लई परवाह नहीं की। इस वेले इंटरनेशनल प्लेयर भी साढ़े विच बैठे ने कभी कि मैनूं बहुत सुंदर कमरा चाहिए बहुत अच्छा वातावरण चाहिए रियाज करने वास्ते प्रैक्टिस करने वास्ते ना गड्डी जा रहा एयरपोर्ट जा रहा कर लिया मतलब एयरपोर्ट तो उतरिया तो स्टेज तक जान लग्या भी कर लिया कित दरख्त हेठा बैठ गए कित कमरा कित छत चस्का नहीं जाता ਉਹੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
इस करके सफर ने उन्हें मैनू तंग नहीं किया जिन्ना रियाज ने मेरा साथ दिता। तो वो फिर स्टेज पर फिर चमक दे सरदार साहब, तो वह फिर वह अपना एक स्वाद है, लोगों की एक्सपैक्टेशन होंगी है उत्थे जड़े इतों की ऑडियंस का मैं थोड़ा जा फर्क देखा वा, दे आर वेरी पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, वो हर चीज नोटिस करना चाहते, एटिकेट, मैनरिज्म, बिहेवियर। तो वह उस तो इलावा जड़ी परफॉर्मेंस है, कई लोगों उन्होंने चुन के रखा था कि इन्हों तो असी घट उम्मीद करते नहीं हाँ, उस उम्मीद ते खरा उतरन वास्ते फिर कई प्रयत्न जड़े आ प्रैक्टिकली करने पेंदे, लेकिन वो फिर शिद्दत ना करने पेंदे आ ताकि तुहानू तकलीफ ना होवे।